पैलवर्ल्ड को मोबाइल में खेलना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री में खेल सकते हो। 5 पैलवर्ल्ड गेम बताने वाला हूँ जो कि इसी साल अपने मोबाइल में रिलीज होने वाली हैं, और आखिर के 2 क्लोन तो ऐसे हैं जो कि अगले 1-2 महीने में रिलीज होने वाले हैं और इवन ऑफिशियल पैलवर्ल्ड से भी बेटर है। साइज की बात करें तो वो भी ज्यादा नहीं है, मतलब कि आप लो एंड डिवाइस में भी इस गेम को खेल पाओगे। सो वीडियो में बने रहो, आगे बता रहा हूँ। तो अपना पहला गेम सभी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, पर्सनली मेरे को भी काफी बढ़िया लगा, अजूर प्रोमेलिया। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज करना है, फिर इसके बाद आप अपने ओपन वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो। और गेम में आपको काफी सारे पैल मिल जाते हैं जिन्हें आप कैच कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें ये लग रहा है कि इसमें एक्शन या फिर फाइट वगैरह हम नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल गलत हो भाई। पूरी A to Z इसमें फाइट होने वाली है, वो भी बहुत तगड़े ग्राफिक के साथ। मतलब कि ये पैल वर्ल्ड जैसे गेम की कैटेगरी में तो पास हुआ, पर ये अभी डेवलपमेंट में चल रहा है और थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। और बाकी अगर हम बात करें इसके साइज के बारे में तो वो 2GB प्लस रहने वाला है, क्योंकि भाई मेरे इसके विजुअल ग्राफिक बहुत ज्यादा हाई है। ऊपर से इसका जो मैप साइज है वो भी काफी लार्ज होने वाला है, तो मेरे को यही लगता है कि इसका जो साइज है 2GB प्लस रहेगा। और चलो बात करते हैं अपने अगले गेम के बारे में जो कि इसी महीने में रिलीज होने वाला है। जी हाँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाऊंगा तुम्हें। चलो तो मैं पहले नाम भी बता देता हूँ, अमेरिकन सर्वाइवल, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करके रखी है। और हमें एप्पल स्टोर पे ये स्टेटमेंट मिली है, देखो ये, इसकी जो एक्सपेक्टेड रिलीज डेट है वो अपनी 16 मई होने वाली है। मतलब कि सीधा सीधा मान लो कि इस महीने में आपको ये अमेरिकन सर्वाइवल गेम खेलने को मिल ही जाएगा। और आई थिंक गाइस ये एक काफी अच्छी न्यूज है, और ये जो गेम है वो भी यार काफी अच्छी क्वालिटी में आ जाता है। ग्राफिक की बात करें तो वो भी काफी अच्छे हैं, काफी तरीके के पैल आपको इसमें मिल जाते हैं जिन्हें आप कैप्चर कर सकते हो, फाइट कर सकते हो। और बाकी अगर हम बात करें गेम के साइज के बारे में तो 1.5GB के करीब करीब इसका जो साइज रहेगा, मतलब कि आप इसे अपने 4GB रैम या फिर लो एंड डिवाइस में भी आराम से खेल पाओगे। और इफ अगर कोई तगड़े गेम की बात करें तो मेरे को एक नाम याद आता है, पाथ ऑफ र्यून करके। इस गेम की डेवलपमेंट फिर से शुरू कर दी गई है, और इसका जो ट्रेलर है, गेम प्ले, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और सीरियसली गेम के जो ग्राफिक हैं, विजुअल बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और मेन चीज यहाँ पे आपको काफी बड़ा मैप मिलता है, और जो अपना कैरेक्टर है आसपास के एनवायरमेंट से अपनी जो है चीजें टूल बनाता है बेसिकली, और यहाँ से आप अपने व्हीकल को क्रिएट कर सकते हो, अपना शेल्टर बना सकते हो, घर बना सकते हो, इवन सब कुछ करने का ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पर आपको मल्टीपल क्रिएचर मिल जाते हैं के साथ तुम्हें फाइट भी करनी है। एंड अगर हम बात करें इसके साइज के बारे में तो आई थिंक भाई ये कुछ ज्यादा ही रहने वाला है, 2GB प्लस तो हो गई, ये बहुत आम सी बात है। और इसे खेलने के लिए आपको एक अच्छा खासा डिवाइस चाहिए रहेगा जिसकी 6GB रैम तो मिनिमम हो। और बाकी अगर हम बात करें अपने अगले गेम के बारे में जिसका नाम आपने सुना होगा और काफी लोगों का ये फेवरेट गेम रहा है, और आपको ये सुनकर बिलीव नहीं होगा कि गाइस ये भी काफी जल्दी रिलीज होने वाला है, वो भी कुछ ही महीनों में। IGN की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये क्वार्टर सेकंड में आने वाला है 2024, यानी कि अगले 2-3 महीनों में तुम इसे खेल पाओगे। यहाँ पे थोड़ी करेक्शन है, तुम नहीं खेल पाओगे, जो चाइनीज लोग हैं वो खेल पाएंगे, क्योंकि इस गेम को जो एक Tencent बना रहा है, और आई थिंक ये वहीं लिमिटेड रहेगा चाइना कंट्री में। इंडिया में खेलना या फिर ग्लोबली मुश्किल है। बाकी अगर हम बात करें इस गेम के बेसिक के बारे में तो ये गेम भी किसी गेम से कम नहीं है, क्योंकि इस गेम के ग्राफिक, विजुअल, फाइटिंग सीन तीनों फाड़ू एक नंबर। और गाइस ये जो गेम है पहले से एग्जिस्ट करता है, मतलब कि पहले से इस गेम के जो टेस्टिंग वगैरह बीटा सब कुछ कंप्लीट होके रखा है। और मे भी आपको ये गूगल की वेबसाइट जैसे कि APK प्योर अप टू डाउन वहां से खेलने को भी मिल जाए, तो वहां से देख सकते हो। और बाकी अगर हम बात करें इस गेम की साइज के बारे में तो वो ऑफिशियली 1.92GB है, और इसे खेलने के लिए भाई 6GB रैम वाला फोन ही पकड़ लो, काफी अच्छा चल जाएगा उसमें भी गेम। और बाकी अगर हम बात करें अपनी आखिरी गेम के बारे में तो गाइस ये पैलवर्ल्ड का खुद ही ऑफिशियल गेम है जो कि मोबाइल में आने वाला है, पैलवर्ल्ड मोबाइल करके। जी हाँ, पर गाइस इस गेम को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, ये डेवलपर ने खुद कहा है, और ये मे भी अगले साल ही रिलीज हो, यानी कि 2025 में। और तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है कि इस पे डेवलपमेंट वगैरह भी चालू कर दी गई है, जॉब लिस्टिंग वगैरह हायरिंग हो रही है इस पे, तो हाँ भाई काफी जल्दी आपको इसका ऑफिशियल वर्जन भी खेलने को मिलेगा। लेकिन अगर तुम अभी पैलवर्ल्ड को खेलना चाहते हो अपने मोबाइल में तो इस वीडियो को देखो। मैं तुम्हें मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाय।